जा रहा है, असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसे लगाम लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़कर हुक्का बारों में छापेमारी शुरू कर दी। इस कड़ी में तारबहार पुलिस ने सीएमजी चौक स्थित स्टाइल बेल्ट बार पर छापेमारी कर 16 नग हुक्का पॉट, 7500 नग फिल्टर, 200 नग हुक्का पाइप, 7 नग कॉइल पकड़ा, जिसकी लागत मूल्य करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये तारबहार थाना क्षेत्र के विद्यानगर की घटना है। इसमें तारबहार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक दुकान संचालक अपने दुकान पर अवैध रूप से हुक्का तथा हुक्का सामग्री की जो बिक्री कर रहा है। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत हमने तारबहार पुलिस के द्वारा एक टीम बनाकर एक व्यक्ति को पैसा देकर दुकान पर भेजा गया था तथा रेट कार्रवाई करने पर दुकान संचालक द्वारा व्यक्ति को हुक्का तथा हुक्का सामग्री उपलब्ध कराते पकड़ा गया। मौके पर दुकान संचालक को नोटिस देकर जो हुक्का तथा सामग्री की खरीदी बिक्री के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई, जो कि संचालक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया गया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र सिविल लाइन में स्वास्थ्य विभाग मितानिनों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि मितानिनों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लोगों को डोर टू डोर जाकर कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जागरूक किया गया, फिर भी मितानिनों ने उनका प्रोत्साहन राशि वापस मांग रही है, जिसके विरोध में मितानिनों द्वारा मनेन्द्रगढ़ के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इतनी बड़ी महामारी में पूरा देश घर के अंदर था, उसके बाद भी हम लोग मितानिन अपने परिवार को अपने जान को खतरे में डालकर हम लोग अपनी पारा और अपने गांव को सेवा दे रहे थे। और 2 साल काम करने के बाद हम लोग को आदेश हुआ था कि 6 महीने का पैसा प्रति माह 1000 रुपये हम लोग को देना था, जो 5 महीना देने के बाद 6वां महीना नहीं आया, और वो भी 5 महीना देने के बाद जो 5 महीने का पैसा उन्होंने दे रखा तो वो पैसा आप बोल रहे हैं तो वापस। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक दुर्ग राजीव भवन में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत प्रदेश के पदाधिकारी बैठक में शामिल होने पहुंचे। दुर्ग जिले में आगामी दिनों में होने नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक दुर्ग में होने से कई प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं। जल्द ही नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा होने की बात सामने आ रही है। साल तक छत्तीसगढ़ में रमन भाजपा की सरकार रही है, उधर हम आप देखेंगे चाहे भी हिंदू संगठन के जितने भी संगठन हैं वो लगातार धर्मांतरण को लेकर उस दौरान आंदोलन करते रहे और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दौरान चुप बैठी रही है। सबसे ज्यादा चर्च अगर बने हैं तो रमन सिंह की सरकार में बने हैं, और सबसे ज्यादा अगर छत्तीसगढ़ मंदिर टूटने का काम हुआ तो भी रमन भाजपा की सरकार में हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले कहा ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के आगे भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भी चिन्ह हो चुकी है। सभी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनसे प्रेरणा कर दी गई है, हमारे प्रभारी माननीय पुनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और भविष्य में किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है और किस तरीके से हमारे जो इस तरह के कार्यकर्ता हैं उनके लिए कार्य करते हुए संगठन को मजबूत करना है। और इसी बीच गोरखपुर से आपको खबर बता देते हैं, रैली